गुड इवनिंग एवरीवन, मैं एकता गोयल फ्रॉम हापुड़ आप सबका स्वागत करती हूँ अपने लाइव में अमूल पेज पर। सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो फेस्टिवल का सीजन है, मैं लेकर आई हूँ एक झटपट और एक अलग सी रेसिपी, जिसको बहुत दिन से हम फेस्टिवल में पूड़ी पकवान खा के बोर हो गए होंगे, तो कुछ अलग खाने के लिए थोड़ा मौसम भी चेंज है, तो मैं लेकर आई हूँ हॉट बादाम मिल्क एंड ब्रेड पिज्जा। बहुत ही मेरी सिंपल सी झटपट रेसिपीज हैं, इनके लिए मुझे बहुत ज्यादा सामान जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हें घर में ही यूज कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, मैंने लिया है ब्रेड, सिंपल ब्रेड जो नॉर्मल ब्रेड है उनको मैंने लिया है। और मैं सिर्फ स्वीट कॉर्न का बना रही हूँ, क्योंकि अनियन वगैरह हम लोग थोड़ा फेस्टिवल में अवॉइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीज़ लिया है, ये मैंने अमूल का चीज़ क्यूब यूज़ किया है, और आप चाहें तो ये मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही चीज़ को यूज़ करूँगी, और मैं बादाम मिल्क के लिए यूज कर रही हूँ यहाँ पर अमूल का काओ मिल्क, जो गाय का शुद्ध दूध है। तो मैंने अमूल के एक दूध को अपना एक पैकेट दूध को उबाल लिया है, और उसको मैंने थोड़ा सा पकाकर आधा उस दूध को कर लिया है। तो ये गिलास दूध हो गया है मेरे, दो गिलास दूध का। और ये मैंने थोड़ा सा बादाम को पानी में भिगो के रख दिया था, और उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है। तो पहले हम अपना दूध बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए नॉनस्टिक कढ़ाई ली है मैंने, और बहुत थोड़ा सा मैं गाय का ही घी यूज कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम। जैसे ही ये गर्म हो गया है मैं इसमें ऐड करूंगी बादाम का जो मेरा पेस्ट है। तो अच्छे से भूनना है, अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी अपना जो मैंने एक ग्लास बॉयल दूध लिया हुआ है। इसमें चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है, मैं ऐड करूंगी सिर्फ आधा चम्मच चीनी। इतने ही मेरा दूध बॉईल होता है, अच्छे से पकता है। आइए तैयारी करते हैं ब्रेड पिज्जा की।
ब्रेड पिज्जा के लिए पहले मैं एक ब्रेड ले रही हूँ, उस पे मैं यूज करूंगी पिज्जा सॉस जो मैंने घर में ही बनाई थी। टमाटो केचप को और हल्का सा सोया सॉस, हल्का सा ऑरिगैनो और दो टमाटर को मैंने पीस के अच्छे से पकाया है। उसके बाद मेरी ये पिज्जा सॉस रेडी है। मैं यहाँ पे यूज करूंगी मेयोनीज। स्वीट कॉर्न स्वीट कॉर्न मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ और वेजिटेबल का आज यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ। आप चाहें इसमें जो भी अपना मनपसंद सब्जी को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टमाटो केचप, और मैं यहाँ चीज़ यूज़ करने वाली हूँ अमूल का मोज़रेला चीज। ये अमूल चीज है, बहुत जल्दी मेल्ट होता है। थोड़ा ज्यादा चीज लगाऊंगी लाइक चीज बर्स्ट पिज्जा। थोड़ा सा ऑरिगैनो, पिज़्ज़ा सॉस आप ले सकते हैं, मुझे ब्रांड का नहीं पता। मैं मोस्टली घर पे ही पिज़्ज़ा सॉस बनाती हूँ और बहुत ही अच्छी बनती है। आप एक बार घर की पिज़्ज़ा सॉस ट्राई कीजिएगा, आप बाहर के बारे में सोचेंगे ही नहीं, आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये चिली फ्लेक्स, आप चिली फ्लेक्स टेस्ट के हिसाब से ही यूज करें जितना। ये मैंने यहाँ तवा गरम करने रख दिया है। ब्रेड पिज्जा को सेकने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अमूल का बटर। आप चाहें तो ये यहाँ पर बटर अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मैं नॉनस्टिक पैन ले रही हूँ, तो जरूरी भी नहीं है कि बटर का यूज किया जाए। कॉर्न मैं स्वीट कॉर्न के लिए बोली हूँ, जो मैंने यूज किया है ब्रेड अपने पिज्जा के ऊपर, मैं उसको स्वीट कॉर्न के लिए बोली हूँ। इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे।
अब आप देखेंगे कि दूध बहुत अच्छे से पक गया है, उस पे मलाई आ गई है रबड़ी वाली, तो इसको 2 मिनट और पकने देते हैं। हाँ, कवर करके बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी पीची जो हमारा पिज्जा के ऊपर लगा हुआ चीज है वो मेल्ट हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा मैं इसमें बादाम को घिस के डाल रही हूँ जिससे थोड़ा सा फ्लेवर और आए। दूध ऑलमोस्ट रेडी है, मैं 1 मिनट में ही गिलास में कर रही हूँ। देखिए इसके ऊपर रबड़ी आ गई है अच्छे से। ये मलाई को मैंने ऊपर ऊपर रोक लिया था तो मैं इसको ऊपर डालूंगी। ये थोड़ा सा दूध ना वो वाला होता है जैसे कि आपने देखा होगा कुल्हड़ वाला जो दूध होता है रबड़ी वाला, ये उस टाइप का दूध बनने वाला है। थोड़ा सा मैंने बादाम काट के इसमें डाला है, आप देखेंगे कोई फ्लेवर नहीं है इसमें। पिज्जा भी ऑलमोस्ट रेडी है।
ये पिज्जा भी। दूध को आप ठंडा करके पीना चाहें, आप ठंडा भी पी सकते हैं, पर थोड़ा सा सर्दी का मौसम है तो गर्म पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। बिल्कुल, आप घर आइए, वेलकम। तो देखिए मेरी रेसिपी, आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप इसमें वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली करना ही चाहिए, पर आज मेरी रेसिपी सिंपल कॉर्न ब्रेड पिज़्ज़ा है तो मैंने इसलिए हाँ ज़्यादा वेजिटेबल, ज़्यादा क्या, मैंने वेजिटेबल का यूज़ किया ही नहीं है। सिंपल रेसिपी है, दूध को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, अच्छे से पका लिया है, और बादाम का पेस्ट बना लिया था मैंने। बादाम का पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा उसे दरदरा रखा है, जिससे कि जब हम दूध को अंदर लें तो पिए तो उसमें थोड़ा सा हमारे बाइट में बादाम आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने सिंपल ही दूध, जो अपने बादाम पेस्ट को हल्का सा गाय के घी में भूना है, उसके बाद मैंने उसमें दूध ऐड किया है। मैंने कोई फ्लेवर नहीं किया है आज, मैंने केसर का यूज़ नहीं किया है, कोई अलग से फ्लेवर नहीं है। सिंपल अमूल काऊ मिल्क को मैंने अच्छे से बॉयल करके ये यम्मी दूध बनाया है, जो बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आने वाला है, सर्दियों में बहुत हेल्दी होगा। और ब्रेड पिज़्ज़ा मैंने टोटली चीज़ अपना घर पे, मैंने पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ किया है, तो आप घर में बनाइएगा, जिससे कि आपके बच्चों के लिए हेल्दी रहे और आपके लिए भी। तो फिर मिलते हैं हम एक बार और अपने अगले लाइफ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।